हर के विधि बताना पड़ेगा ना, कलयुग की दुनिया में आप संसार में कैसे किसके साथ मिले, कैसे सेवा करें, किसी से बातें नहीं करो, किसी से मिलो नहीं, नहीं हम गृहस्थ में रहते हैं, संसार में रहते हैं, सन्यासी नहीं है, घर में माता जी अकेले रहती है, सब्जी वाला आता है, कुछ काम करने वाला आता है, कोई कुछ आता है, उनसे बात नहीं करे, दरवाजा खोले नहीं, मिलना तो पड़ेगा ना, बात करना पड़ेगा, गृहस्थ में है, डरपोक नहीं। तो बाबा ने हिम्मत दिया, बच्चे अपने को शिव बाबा को याद करते हुए दृष्टि दे दो। तो शिव बाबा को याद क्या करे, शिव बाबा मैं आपका बच्चा हूं, ये स्मृति में रखते हुए दृष्टि देते हो तो वो दृष्टि से दृष्टि मिलाता नहीं, तो बाबा बताते दिल साफ नहीं इनका, ज्यादा मिलना नहीं, नजदीक जाना नहीं, अपने को बचाओ, ओम शांति करके जाओ, ज्यादा बात नहीं करना, क्योंकि दिल साफ नहीं, कभी फंसा सकता है, कभी कल कुछ कर सकता है, साफ दिल वाला दृष्टि से दृष्टि मिलाता है। समझ में आया, परखने की कर्म कैसे करे, संसार में बहुत कर्म करने पड़ते हैं, तो बाबा आके श्रेष्ठ कर्म करने की विधि बताता है। तो श्रीमत के अनुसार जो कर्म करते हो, श्रीमत कौन सा, तो हर कर्म करने, अभी आता श्रीमत की, कभी भी आप घर से बाहर निकलते हो, कोई भी काम करते हो, जैसे घर में पहले मम्मी पापा को बता के जाते हैं ना, अभी कौन आपके मम्मी पापा, शिव बाबा, कोई भी काम करने से पहले बाबा को पूछ के करते हो, बाबा ये काम करता हूं, बाबा मैं इधर जा रहा हूं, बाबा को पूछ के करते हो, अगर कुछ हुआ तो बाबा जिम्मेवार है, अगर बाबा को बिना पूछे आपने किया, उस कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा, सुख हो या दुख हो। तब बाबा ने कहा हर कदम में श्रीमत पर कदम रखो, हर कदम पाव का संकल्प रूपी कदम, कोई भी काम करो बाबा ये करो नहीं करो, कुछ पूछ के करो, जवाब नहीं आया भी तो बाबा जिम्मेवार है, बच्चों ने पूछा था, अगर कुछ हुआ तो बाप जिम्मेवार है। तब बाबा ने कहा अगर कुछ गलत भी हुआ तो भी मैं ठीक कर दूंगा, देखने में गलत हुआ है ना तो भी आपको लगता अरे एक्सीडेंट हुआ, देखो बाबा को पूछ के गए थे हम तो क्यों हुआ, हाँ एक्सीडेंट हुआ, नहीं तो पूरा खत्म होते थे, बहुत पाप था, थोड़ा सा बीमारी हो गया तो भी बच गए, कल बाबा ठीक करता है, क्योंकि कर्मों का फल तो है, क्योंकि आपने योग से मिटाया नहीं, कर्मों का फल होगा तो वो भोगना पड़ेगा, फिर भी बाबा उससे आपको जल्दी ठीक करेगा। अगर वो बाबा को बिना पूछे कुछ किया तो कर्मों का पूरा फल भोगना पड़ता है।